चलिए दोस्तों, मैं चंदू कुमार, यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप बुक देख रहे हैं वॉल्यूम वन। दोस्तों, आज वॉल्यूम वन का सेट सिक्स। दोस्तों, ठीक है, अगर पांच तक नहीं देखे तो सबसे पहले पांच तक जाकर देख लीजिए वॉल्यूम टू का। ठीक है, आराम से वॉल्यूम टू का पांच तक हम बता चुके हैं। ठीक है, एक एक वीडियो कर करके देख लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में अगर आप सब फंसते हैं तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए। ठीक है, तभी वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, आज हम वॉल्यूम वन का चालू कर रहे हैं दोस्तों। वॉल्यूम वन सेट आप सबका हो जाएगा सिक्स दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी लोग हैं यानी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, उसके लिए ये बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। ठीक है, इसमें करीब 3200 प्लस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 3200 प्लस क्वेश्चन है, आप इससे आराम से 3200 अगर प्लस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, रीजनिंग और मैथ को मिला करके दोस्तों। ठीक है, आराम से इसे अगर सोल्व कर लेते तो पक्का है 60 नंबर नहीं तो 50 नंबर तो फिक्स है दोस्तों। ठीक है, और कहीं न 30-20 नंबर ले आए साइंस में मार के तो आप सबको बाहे बाहे है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा करके मैथ और रीजनिंग पर कमांड अगर है दोस्तों, ठीक है, तो आप सबको रिजल्ट को उड़ा सकते है, नहीं तो लटक सकते है। और क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर दिखाइए, चलिए इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों जल्दी से। चलिए देखिए, देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप सब तो सॉल्व कर भी लिए होंगे उम्मीद है, देखते हैं हम भी सॉल्व तो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट आता है, 19 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 27 दे ले, 25 दे ले, अगला व्हाट। आप देखिएगा 19, 24, 22, 27, 25, इसे सोल्व करिए आप सब जल्दी से। इसमें कितना बढ़ा, इसमें बढ़ गया 5 है ना, और यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। देखिए, एकदा 5 बढ़ रहा है, एकदा 2 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ेगा, अबरी 5 दूर बढ़ा था, अबरी 5 बढ़ेगा, तो अबरी कितना 2 बढ़ा, तो अबरी कितना 5, क्योंकि देखिए 2 बढ़ा तो अबरी 5 बढ़ेगा, तो देखिए 25 में 5 जोड़ दिया तो कितना 30। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन सी दोस्तों, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए सवाल दिखाइए जल्दी से, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूट करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हम सबका सवाल है दोस्तों, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाइप ए, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा एक चौथाई समय में टंकी को भरता है। वाह, ऐसा का बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में भी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर के लिंक नीचे दिया हुआ है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपको तक, ध्यान दीजिएगा। पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। चलिए भाई, एक चौथाई समय में टंकी को भरता है, यानी ए है और बी है और सी है, अगर ये 4 होगा दोस्तों तो एक चौथाई, तो एक बटा 4, ध्यान दीजिए, और ये 3 गुना,
ये आपको समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? समय। इसका क्षमता निकालते हैं तो एक बटा एक लिखेंगे, एक बटा चार लिखेंगे, एक बटा तीन लिखेंगे। सभी का एलसीएम आप सब जानते हैं कि 12। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो नीचे वाला को एलसीएम लेकर के प्रत्येक अनुपात में गुना करते हैं दोस्तों, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 चार तिया 12, 3 चौक 12। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों आगे क्या कहता है। 24 तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो 24 घंटे में टंकी क्या करता है, भर जाता है। लेकिन आगे कंडीशन भी दिया हुआ, देखिए कैसे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो। ध्यान दीजिएगा, यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए, चलिए देखो सी को यानी बंद रखेगा, सी को ही बंद रखा, सी को क्या किया, बंद किया। तो सी को जब बंद कर दिया तो आप सबको पता है कि कौन कौन भरेगा, तो ए और बी भरेगा मिलकर के। तो ध्यान दीजिएगा टोटल आप सबको 24 घंटा में कब भरता है, कब कब, जब तीनों टंकी क्या करता है, खोलता है। तो खोलिए 15 आप बाटा कितना, यहाँ 15 हो जाएगा। आप सब तो सोल्व करने में तो माहिर है, ये जल्दी से सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, काट छाट लीजिएगा तो आप सबको 30.4 जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल आ रहे हैं, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए क्वेश्चन दिखा दिया गया है दोस्तों, जल्दी से सोल्व करिए। इसे अगर आप सोल्व कर देते हैं हमको तरफ से एक कलम का इनाम है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताइए। चलिए जल्दी से सोल्व हो गया क्या? क्वेश्चन में तो दम है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखते ही कितना लड़का दम बैठ जाएगा, दम चैलेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप सोल्व करके तो देखो, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। चलिए 2x + 3 2 के पावर 2x + 3 -17 = 9 2x - 2। अब यहां ऑप्शन लिख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा हम ऑप्शन लिखते हैं -1 - 2, बी में लिखते हैं -3 0 और सी में लिखते हैं 3 और 0 और डी में लिखते हैं 0.2। यही ऑप्शन है दोस्तों, आप सब भाई ऑप्शन से ही बन सकता है, नहीं तो दिमागे खराब कर देगा क्वेश्चन मा के, देखिए कितना लड़का छोड़ दिया होगा। तो चलिए हम सब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बी अगर LSH = RSH आ जाता है दोस्तों तो हम सबको बी होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन पर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी x के मान -3 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर x के जैसे मान लेंगे,
तीन दूना दू तीन आएगा तो तीन दूना छो आ छो में से घटेगा तीन तो माइनस तीन यानी तो माइनस तीन दू यानी दू के पावर माइनस तीन बचा माइनस सत्रह बराबर ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिएगा दू के यहां लेंगे तीन तो ई भी कितना हो जाएगा आप सबका एक बटा आठ हो जाएगा बनेगा ना। चलिए नहीं समझ में आ रहा बोल रहा कि नहीं समझ में आ रहा सर कैसे बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए भाई देखते हैं कि तो समझ में नहीं आ रहा लड़का पे इतना कमजोर हो गया कैसे दू के पावर कितना ले रहे हैं थ्री ले रहे हैं दोस्तों माइनस थ्री अब प्लस थ्री अब माइनस सत्रह बराबर नो। अब ध्यान दीजिएगा नो दू कितना है माइनस थ्री अब ध्यान दीजिएगा माइनस टू अब ध्यान दीजिएगा तीन दू ना छो घटेगा तो दू के पावर माइनस थ्री अब माइनस सत्रह बराबर नाइन इतना करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा एक बटे आठ लिख देते डायरेक्ट क्यों करेंगे तो ठीक ना अब माइनस टू अब ध्यान दीजिएगा ये भी एक बटा आठ ही कर देते हैं अब माइनस सत्रह अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो नौ बटा आठ और नौ दुनी अठारह अब ध्यान दीजिएगा चलिए एलसीएम आप सब ले लीजिएगा देखिए लगभग में बराबर हो ही गया नहीं हो गया 135 लगभग में दोनों का मान सेम हो गया तो कह सकते हैं एलएसएच बराबर जब हो ही गया तो ऑप्शन क्या होगा बी होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए चलिए कोई दिक्कत इसे सोल्व करिएगा एलसीएम आठ लीजिएगा दोनों का मान सेम आ रहा है ना तो ऑप्शन क्या होगा बी जल्दी सब्सक्राइब लेकिन इतना मत करिएगा देखिएगा कौन बोल रहा है कि इतना के बाद आओ कर दीजिए। चलिए देखिए चलिए एलसीएम लीजिएगा तो आठ होगा वन माइनस एक सौ छत्तीस आपको पता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आठ होगा नो माइनस इसमें गुना कर दो आठी अठी चौसठ और फिर आठ छो चौदह एक सौ चौवालीस देखिए घटाइए तो माइनस एक सौ पैंतीस बटे आठ आ इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा नौ पांच चौदह यानी माइनस एक सौ पैंतीस बटे आठ बताइए एल एस एच बराबर जब आर एस एच हो गया तो आप सब झूठ मूठ के बोलते हैं फिर दोबारा हल कर दीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए लगाएंगे टेंशन मत लीजिए ठीक है टेंशन नहीं लीजिए स्क्रीन टच भी बोर्ड लगाएंगे लेकिन आप सपोर्ट तो करिए ठीक है जितना जल्दी करिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लॉलीपॉप आप बना सकते हैं जल्दी लमचूस जो भी खाएगा ना वो भी बच्चा बना देगा। जल्दी से सोल्व करके चलिए बहुत चलिए ध्यान दीजिएगा गलती ध्यान दीजिएगा बहुत हल्का क्वेश्चन है जल्दी से इसे सोल्व करिए ठीक है क्वेश्चन को दिखाइएगा क्वेश्चन दिखाइएगा। चलिए बहुत अलग का क्वेश्चन है जल्दी से सोल्व करिए।
चले दोस्तों, इतना हल्का क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते क्या? कहां चल गया? 18 × 16 − 344 3445 बटा कितना है? 13। बहुत हल्का क्वेश्चन है क्या? इसको हल करिएगा, भागा दीजिए 265। यहां हो जाएगा गुना करिए तो 288, अंतर कितना? 23। घटा दीजिएगा, जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है? बहुत हल्का क्वेश्चन था, इसे आप ही सोल्व कर सकते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को सोल्व करके तो बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप सब जल्दी से जल्दी सोल्व इसे करिए। सिर्फ इसका वर्गमूल निकालना है निम्नलिखित में से। चलिए आराम से ऐसे सोल्व कर सकते हैं, आप ही सोल्व करिए। जल्दी से क्वेश्चन दिखाइए लड़का को। मात्र 15 सेकेंड है दोस्तों, जल्दी से उड़ा दो, उड़ा दो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना हल्का क्वेश्चन को सोल्व के भाग रहे हैं। 24 आपका जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब हो लेकिन परिमेय संख्या वो होगा, तो ध्यान दीजिएगा। पाई ऑप्शन में ए में, दूसरा में बाई ऑप्शन का यूज करिए, 60 84। सी में 76 52 और डी में 54 28। अब देखिए जिसका जिसका पूर्ण वर्ग निकलेगा उसी का ना होगा परिमेय संख्या, वही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, होगा कौन? ए, ए जो होता है 78 का, यानी 78 × 78 करके आप जब देखिएगा, 78 × 78 करिएगा दोस्तों, तो आप सबको कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्या 78 आ रहा है। चलिए बी नंबर दे रहा है ऑप्शन, क्या नहीं? चलिए सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ए 7 तो दूसरा तीसरा पढ़ना है, ठीक है? अगर आप नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप सबसे जाके नंबर सिस्टम के देखे, इसका शॉर्ट बताए वर्ग और वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दिखाया जाए, चलिए अगला सवाल दिखाइएगा। चलिए सोल्व करिएगा जल्दी से। चलिए त्रिभुज गिनना है, जल्दी से सोल्व करिए, कितने त्रिभुज इसमें है जल्दी से गिन करके बताइएगा। चलिए हम भी बना लेते हैं, फिगर है दोस्तों, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। त्रिभुज गिनना है तो क्वेश्चन को देखिएगा, चलिए ए में ऑप्शन है दोस्तों रीजनिंग से 6, बी में दोस्तों बी में आप सबका है 5, सी में 8 और डी में 7।
चलिए इसे सोल्व करिए, बहुत हल्का है। चलिए हम सब गिनते हैं, सबसे पहले बड़ा लेते हैं, यहां से यहां तक लेंगे दोस्तों, तो ये बड़ा वाला साइड कितना हो गया, एक त्रिभुज। और लेते हैं दोस्तों ए वाला, लेते हैं दो त्रिभुज, ए लेते हैं तीन त्रिभुज, और ए लेते हैं चार त्रिभुज, और ए लेते हैं पांच त्रिभुज, आ एगो बड़का ले लेते हैं छह त्रिभुज, यानी कितना होगा छह गो। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार के चलिए फिर से बताते हैं, पहले बारह वाला लीजिएगा, ठीक है, बड़ा वाला एक हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां से यहां तक लीजिएगा तो दो होगा, फिर ई वाला तीन होगा, होगा ना, अब देखो ई वाला मिला के चार हुआ, ई वाला मिला के पांच, अब यहां से यहां तक लीजिएगा तो कितना होगा छह होगा। जल्दी से, बहुत हल्का था, अगला सवाल दिखाइए जरा, इससे लड़का बहुत इंतजार कर रहा है। चलिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व नहीं कर सकते हैं ना तो बेकार है जिंदगी, ऐसा जल्दी से सोल्व करिए। त्रिकोणमिति का करीब 32 टाइप बताए दोस्तों, ठीक है, आराम से उसे सोल्व किए हैं, आप सब भी आराम से उसे जाकर देखिए और वीडियो को शेयर करिए, तब तो हमको मजा आवेगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि लड़का भी फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, दम वाला क्वेश्चन है, दम है तो बनाइए इसे जल्दी से, तो जानू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन, तो पूछा है क्या, कॉस स्क्वायर, कॉस के पावर फोर है ना, कॉस के पावर फोर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ऐसा वीडियो इतना बनाए हैं दोस्तों, ठीक है, इतना बता दिए हैं आप सबको, एकदम लॉलीपॉप है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए प्लस अगर कॉस के रूप में दिया है तो कॉस के ही रूप में टोल कर इसे ला सकते हैं, ठीक है, यथा इसे नहीं बना सकते आप, ध्यान दीजिएगा, अभी कॉस के रूप में तो कोशिश करेंगे हम कि कॉस के रूप में ही आ जाए, आप ही जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, होता है या नहीं होता, अगर ये प्लस तो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, अगर हम सब निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर सिर्फ अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं दोस्तों तो आप सबका वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसमें इतना दम नहीं कि क्वेश्चन रुक जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम सब अगला क्वेश्चन नहीं देखें पहले इसको देख लेते हैं, चलो ध्यान दीजिएगा, बोल रहे लड़का की आगे बढ़ जाए क्वेश्चन छोड़ के, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिसको सोल्व नहीं कर सकते ना, तो सबको तो लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा, ई प्लस ध्यान दीजिएगा, ई प्लस तो उसार जाएगा तो माइनस, इधर बचेगा दोस्तों साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी साइन ए होगा आई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर है ना, अभी तो कॉस है ये नहीं, कॉस है दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, वर्क क्यों करेंगे, पावर भी तो फोर लाना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ए बराबर, अब ध्यान दीजिए कॉस के पावर हो जाएगा फोर, कहीं तो दिक्कत नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ,
चलिए चलिए चलिए, कहीं तो दिक्कत हुआ होगा। साइन स्क्वायर आई कॉस पावर फोर तो हो चुका है, देख लेते क्वेश्चन में सही है नहीं। क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन सही है। आप ध्यान दीजिए, इस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो इसको कॉस के रूप में बदलेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस के पावर फोर ए। आप ध्यान दीजिए, माइनस तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक बराबर कॉस के पावर फोर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही आप सबका हो चुका है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी आंसर कितना, एक दोस्तों। तो ऑप्शन हम तो नहीं लिखे, आप सब ध्यान दीजिएगा, एक मार लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ए वाला फॉर्मूला आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आराम से आप सब लिख सकते हैं कॉपी पेन निकाल करके, अगर बैठे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं निकाले हैं खाली हौसला पड़ रहे तो बात अलग है। चलिए हो गया, अगला सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप थीटा के मान भी पुट करके बना सकते हैं, जो थीटा के मान ऐसा सोचना है कि एक आ जाना चाहिए, ठीक है। या तो 45 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, और वही मान थीटा के इसमें रख दीजिएगा, सेम आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे पे थीटा का मान रहता है, नब्बे नब्बे रखेगा तो दो आ जाता ना, नब्बे में नहीं होगा। चलिए मान सोचिएगा, थीटा का मान भी रख के बना सकते हैं, वो तो सोचने में लग जाइएगा ना। जल्दी 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 जल्दी, आप सब जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्त, ठीक है। देखिए लाइक सब्सक्राइब आया, आप सब नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए दोस्तों, एलजेब्रा दोस्तों, ठीक है। लो स्याही खत्म हो गया, वीडियो आने का नहीं है। जल्दी से सोल्व करिए, इतना हल्का क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते, बेकार से। सोल्व करो सोल्व करो, नहीं तो पछताओगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है, इसलिए जल्दी से सोल्व कर लो। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया यदि, सवाल पहले सुनिएगा, ए प्लस एक बटा ए बराबर चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, रूट हो, कुछ भी रहे, ठीक है। अब पूछ दिया जाए तो ए क्यूब प्लस एक बटा एक क्यूब का मान क्या होगा, तो आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर एलजेब्रा के टैप नहीं देखे तो सबसे पहले जाके देखे, उसमें 35 टैप हम बताए दोस्तों, आराम से सोल्व कर सकते हैं। यानी ए क्यूब माइनस थ्री ए होता है, त
तो ए के मान जो होता है दोस्तों, ये जो भी रहेगा, ये चार रहेगा चार होगा ए के मान, पांच रहेगा तो पांच होगा, छो रहेगा तो छो होगा ए के मान, सात रहेगा सात, तो रूट रहा तो रूट, आराम से। अगर रूट थ्री है तो जल्दी ये मार दो जीरो, आराम से सोल्व कर सकते हैं, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, जल्दी ये मार दो जीरो, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऑप्शन ध्यान दीजिए, मान लीजिए चार को लेकर चलते हैं, तो चार के क्यू करिएगा माइनस थ्री गुने बारह घटा दीजिएगा, आराम से सोल्व कर सकते हैं ना। चलिए सवाल पर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सोल्व करिए के बताते हैं। देखो चार ए के मान कितना, चार, तो चार का क्यू क्या होगा, माइनस थ्री गुने चार, यानी चौसठ, यानी 216 हो जाएगा ना। कर लेते हैं चौसठ गुने चार, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ, हाँ चौसठ होगा दोस्तों, चौसठ माइनस बारह, आ घटाइए दो बच गया पांच, बावन दोस्तों। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए सवाल पर आते हैं, हम सबको सवाल क्या है, आठ दिया हुआ है सवाल में, आठ दिया हुआ है, देखिए ना सवाल दिखाई दे रहा, देखिए आठ है कि नहीं, आठ है ना। आप पूछा है एक क्यू प्लस एक बटे एक क्यू, आठ के जगह पर क्या 200 नहीं रहेगा, 300 नहीं रहेगा, 400 नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा, कुछ में भी रहे, इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आठ है तो एक, एक क्यू ना है, ध्यान दीजिए एक क्यू, तो एक के मान आठ का क्यू करेंगे माइनस थ्री गुना एक के मान भी आठ हो जाएगा। आप इसे सुगुना करके बताइए, एक सेकंड टाइम, चलिए कर लिए, आठ गुने आठ के बार करना है तीन बार, 512, ठीक है, यानी 512 में घटा देंगे 24 दोस्तों, घटा दीजिए, आठ चार बारह बच गया कितना 10, आठ दो 10 बच गया चार, यानी 488, क्या ऑप्शन में है 488, 488 सी दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या नहीं बनेगा, आराम से बनेगा दोस्तों, अगर फॉर्मूला याद है तो। चलिए एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, एक क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर, चलिए अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, चलिए मान लीजिए यदि x प्लस एक बटा x, x के जगह पर y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, ठीक है, ये सब सोचते सोचते नौमा दशा में आए सर x दे दिए तो अगला क्या दीजिएगा, बाप रे x वाला है नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी का अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है, चार हो, चलो रूट थ्री ले लेते हैं ना, रूट थ्री, तो ए क्यू माइनस थ्री ए, एक क्यू प्लस एक बटा थ्री ए बराबर वाट, जल्दी से इसे सोल्व करके बताइए, जल्दी से दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर वाट, जल्दी से सोल्व करिए दोनों के साथ क्वेश्चन को, अगर आप सब नचा दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल हम पावर पच पच गो छो छो गो एक हजार तक पावर वाला बताया है दोस्तों, जाके एलजेब्रा का वीडियो देखना नहीं भूलिए, नहीं तो एग्जाम में ना बहुत पछताओगे, अगर छूट गया तो रूठ गया, आप रूठिए ना जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हम इसे सोल्व करते हैं, आप तो जान रहे हैं कि एक क्यू प्लस एक बटा एक क्यू, तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक्स लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए, आप सब समझ सकते हैं। चलिए एक्स कर देते हैं, एक्स आई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर एक्स तो भी एक्स से रहेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसको बना लेते हैं तो जानवे करते हैं, एक क्यू माइनस थ्री ए होता है, ए के मान कितना होगा रूट थ्री के होल क्यू माइनस थ्री गुना रूट थ्री, है ना। तो देखिए तीन रूट थ्री होगा कि नहीं होगा, आई तीन रूट थ्री होगा, कट गया तो क्या हो गया जीरो हो जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें आइए, अगर प्लस वाला पूछ दिया जाए तो क्यू वाला है, आई स्क्वायर वाला पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस टू होता है, तो ए के मान कितना दो, तो दो के स्क्वायर माइनस दो, तो चार माइनस दो, तो आंसर कितना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का, इसके जगह पर होमवर्क लिखिएगा जल्दी से आप सब। इसके जगह पांच दे दीजिएगा, छह दे दीजिएगा, सात दे दीजिएगा, रूट दे दीजिएगा, ठीक है, और इसके जगह पर रख के चार दे दीजिएगा, छह दे दीजिएगा, आठ दे दीजिएगा, दस दे दीजिएगा, दुनिया का कोई अंक देने चल जाइएगा। आराम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ का मैसेज करिएगा जल्दी से। चलिए दोस्तों अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप सब सोल्व किए, अच्छी बात है। एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट का कोई भी हो सकता है, ठीक है। जल्दी से अगला सवाल दिखाइए लड़का को जल्दी से। चलिए क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करके बाय चार्ट दोस्तों आराम से इसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सोल्व करिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सवाल को हटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, और सवाल हम पढ़ रहे हैं, आराम से इसे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर कहता है, दिया गया पाइप 4 दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति। चलिए भाई ए आप सब का हो सकता है ना, चार्ट पहले तो बना लो। आप सब बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। चलो इसमें 5% दे देते हैं, इसमें 20% देते हैं, फिर इसमें 5% है, इसमें 15% है, चलो इसमें 25% है, और इसमें 30% है। सभी खानदान के नाम लिखल है कि हमर है, ये हमर है, ठीक है, आराम से नाम ध्यान दीजिएगा। 5% का नाम इन्होंने लिखा ई, और इन्होंने लिखा बी, चलो ई, दो ई एफ है दोस्तों, एफ एफ है, आर ई है, आर ई है आप सबका डी, आर ए आप सबका है सी, आर ए आप सबका है बी, आर ए आप सबका है ए।
ध्यान दीजिएगा 30%, 5%, 20%, 5%, 15%, 25%। ये सवाल क्वेश्चन को लास्ट में देखना, फिर इसमें से दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहेगा 5% का टोटल दिया हुआ रहेगा, आराम से कह देगा कि डी का 5% क्या होगा, आराम से बना सकते हैं। डी वाला खानदान कहेगा, देखिए जरूर कुछ कहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे आइए, यदि सभी बैंक के अंतर्गत कुल एनपीए कितना दिया हुआ है, 30 लाख करोड़, टोटल दिया हुआ 30 लाख करोड़ है ना, करोड़, चलिए भाई 30 लाख करोड़ पढ़ रहे हैं। दिसंबर 2017 तक बैंक ए का एनपीए कितना है, एनपीए तो इतना दिया हुआ, चलिए ए का पूछा है ना, ए का तो ए कितना है, 30%, इसका 30% निकाल दीजिए नीचे, कितना 100, एक गोल एक गोल एक गोल एक गोल, तीन दिया 9, आराम से 9 होगा, अनि हो जाएगा 90। चलिए जल्दी से ऑप्शन डी मारिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, एकदम लॉलीपॉप है, जो 8वां क्लास से पढ़ते हैं ना इसे भी सोल्व कर देगा, लेकिन आप सबसे सोल्व नहीं हो रहा, गजब करते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन दिखाइए, विद्यार्थी को दिखाइए क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल दोस्तों आप सब की ध्यान दीजिएगा, जल्दी से सोल्व कर दिए क्या, ध्यान दीजिएगा। 338 भागा है 169 भागा 13 प्लस 85 माइनस 23 गुने 5 फिर गुने, चलिए 114 भागा 19 का मान क्या होगा, जल्दी से इसे सोल्व करके बता दीजिएगा। ध्यान दीजिए 144 अभागा 19, आराम से आप सबको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, काटना चालू करिए, 49 6 4 6 बचा 6 इधर होगा। अब ध्यान दीजिएगा 15 से 115 इसमें घटा दिया 5 5 0 यानी 30 हो गया, 30 × 6 हुआ इधर, 180 हो जाएगा, तो 180 जो होगा तो माइनस में होगा। अब आइए इधर देखिए, 13 13 169 13 बार में है ना, 13 13 26 26 से इसको काट दो, 13 बार में 13 ही घटा दीजिए, तो देखिएगा लगता कहीं गलती हो गया, कजो गलती हो गया, फिर से देखिएगा 13 घटाएगा तो नहीं आएगा, यहीं पर गलती हुआ है, यहीं पर इसको काटने में गलती हुआ है, देखिए चले आराम से ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, 338 है भागा है 169 है भागा है 13 है प्लस 13, पहले तो इसी को क्रिया होगा ना, 13 बार में खत्म, त
तेरह तेरह 26 हो जाएगा, तो 26 से इसमें भागा दे दीजिए, यानी 338 भागा, तो 26 माइनस 180, इसे सोल्व करके बताइए जल्दी से। चलिए सोल्व करिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको भागा दीजिएगा तो 13 बार में खत्म हो जाएंगे, फिर ठीक है बोल रहे थे। 13 माइनस 180, जल्दी से घटा के बताइए आंसर, ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिए। 7 3 10, 7 हो गया, 8 में से एक गया, 6 में से एक गया, 7 में से, तो बचा 6 1, माइनस 167 ऑप्शन देता है, माइनस 167। पहले वाला भी सही था, ठीक है, हम सब गलती कर रहे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आओ बेहतरीन से हो गया। ए सवाल क्वेश्चन में आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर पूरी तरह से वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करिएगा तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहले नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन आप नहीं देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन अब छूट गया, अब उसको हम कल बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए।